सभी अभिभावकों व छात्रों को मेरा नमस्कार। मैं कक्षा 10 के छात्रों को कहना चाहता हूँ कि आपकी बोर्ड परीक्षा के मुख्य पेपर समाप्त हो चुके हैं। अभी जो पेपर बचे हैं उनकी आप तैयारी करते रहें तथा बोर्ड के परीक्षा परिणाम आने तक आप अपने कीमती समय का सदुपयोग उपयोगी कार्यों में करें। आपको कक्षा 10 के बाद कक्षा 11 में प्रवेश लेने पर अपने विषयों व अपनी स्ट्रीम का चयन करना होता है। इसी से यह निर्भर करता है कि आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं। इसी समय आपको गहन चिंतन करना चाहिए, अपने आप से, अपने माता पिता से व अपने शुभचिंतकों से भी आप इस विषय पर गहन विचार विमर्श करें कि आपकी स्ट्रीम क्या होनी चाहिए। ध्यान रहे यह विषय मुख्य नहीं कि आपको अन्य लोग क्या बनाना चाहते हैं। इसका चयन करते वक्त आप यह भी ध्यान रखें कि आपकी रुचि क्या है, आपकी क्षमता क्या है, कौन सा विषय आपको आसानी से याद हो जाता है तथा आप उसे आसानी से याद करके उसमें अच्छे अंक ले आते हैं। आपकी रुचि वैज्ञानिक विषयों में या गणित विषयों में ज़्यादा है, या आपकी रुचि कला विषयों में है, या फिर आपको वाणिज्य विषय अच्छे लगते हैं, आपकी रुचि रीजनिंग में ज़्यादा है, या आपको भाषा के विषय हिंदी या अंग्रेजी अच्छी लगती है, तथा आपके अंक किस विषय में ज़्यादा आते हैं। इन विषयों को ध्यान में रखकर आप चिंतन करें, अपने माता पिता से चर्चा करें तथा अपनी पसंद बताएं। उसके बाद यह भी देखें कि भविष्य में आप क्या बनना चाहते हैं। यदि आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको विज्ञान के साथ गणित लेना होगा। यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको विज्ञान के साथ बायोलॉजी लेनी होगी। यदि आप आईएएस, वकील, जज, साइकोलॉजिस्ट, इकोनॉमिस्ट या इससे संबंधित अन्य कोई जॉब चाहते हैं तो आप कला विषय ले सकते हैं। यदि आप अकाउंटेंट, बैंकिंग, सीए आदि जॉब चाहते हैं तो आप वाणिज्य विषय लें। यदि आप कंप्यूटर में विशेष योग्यता चाहते हैं तो आपको गणित के साथ कंप्यूटर और विज्ञान लेना होगा। अतः आपको इस समय सोच विचार कर निर्णय लेना होगा। इस समय का चयन आपके पूरे जीवन को प्रभावित करता है, अतः इस समय के चयन में सावधानी बरतें तथा अपनी स्ट्रीम व विषयों का चयन दबाव में नहीं बल्कि सोच समझकर रुचि के अनुसार एवं अपनी क्षमता के अनुसार करें। हम अनुरोध करते हैं कि आप इस समय चयन करते वक्त इस समय का सदुपयोग करें और आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, अपनी रुचि के अनुसार पढ़ाई करते रहें। जय हिंद, जय भारत।